Hi guys, welcome back to Sweet Chilies 2.0. I'm back with another video reaction. Surinder Katnawar channel से स्कूल में ही गंदी बात. Funny Indian kids. Start करते हैं video. इसकी original link आपको description में मिल जाएगी. You must be check out the channel. Let's start the video. तो बहुत स्वागत है क्योंकि कल से फिर से नया साल है और आ जाएगा 2023. आपका 2022 कैसा गया नीचे कमेंट करके बताओ. मेरा तो अच्छा गया. आप हंसते रहा करो. बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. सबसे पहले यहाँ पर देखो बच्ची अपनी माताजी के साथ जा रही थी तो तबियर माताजी की चाल को कॉपी कर रही है. बोलते है कि मेरी माता चलती है ऐसे ऐसे. माताजी बोल रही होगी अरे मुन्नी तू तो मुझे ही चूना लगाने में लगी है यानी कि मेरी ही नकल करती है. और बच्ची की चाल देख कर बच्ची ने क्या एक्टिंग की. बिल्कुल जबरदस्त है जबरदस्त. और यहाँ पर देखो दोस्तों हमने ऐसी बहुत वीडियोस देखी हैं. आखिर स्कूल ही क्यों, आखिर स्कूल में ही क्यों निब्बा निबिया शादी करते हैं. देखो ये भी सिंदूर ले आया और लगाने लगा मुन्नी को. सामने वो नहीं लगा रहा. बोलता है कि मुन्नी मुन्नी मैं बिल्कुल छिपा कर सिंदूर लगाऊंगा यानी कि छिपा छिपा कर तुम्हारी मांग भरूंगा ताकि जमाने को इस जालिम जमाने को हमारी इस शादी के बारे में पता ना चल जाए. दोस्तों हम तो स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे लेकिन ये बच्चे सिर्फ शादी करने जाते हैं क्योंकि आने वाले मुन्ना और अपनी मुन्नियों की प्लानिंग भी करनी होती है ना फ्यूचर की. और यहाँ पर देखो इन बच्चियों की तरफ. हम इस उम्र के थे तो यार घर घर खेलते थे वो भी छत पर. लेकिन ये देखो यार क्या क्या बोल रही हैं. हेलो फ्रेंड्स मतलब ऐसे बोल रही है. सुनो हेलो ये मेरी दोस्त है काव्या. इसका नाम है काव्या नेगी. मेरा नाम है दिया नेगी. मेरी मम्मी का नाम करिश्मा. बच्ची ने बोला है इसलिए आज तो कर ही दो क्योंकि यार कुछ घंटे तो बचे हैं. नहीं तो अगले साल करोगे क्या, इसी साल कर दो. और यहाँ पर देखो इस प्यारी सी मुन्नी को. ये गई थी स्कूल लेकिन टीचर ने यार किसी को डांट दिया है. इस बच्ची को आ गया गुस्सा. देखो यार क्या क्या बोल रही है. टीचर ने डांटा था कशी को. क्या तुम मम्मी का कशी को डांटा नहीं, डांटना तो नहीं चाहिए. वो रोली की है कैसे डांट सकता बताओ. गलत है दोस्तों. कैसे डांट सकते हैं टीचर किसी बच्ची को. हाँ अरे मुन्नी अभी तो डांटा है. हमको तो सीधा मुर्गा बनाते थे. शुक्र है कि तुम्हारे स्कूल में सिर्फ डांटते हैं. और हमारी टीचर पता नहीं क्यों हमें अंडा देने के लिए बोलती थी. लेकिन दोस्तों मुर्गा अंडा कैसे देगा, मुर्गियाँ देगी ना. साला आज तक पता नहीं चला कि वो टीचर हमसे अंडा क्यों मांगती थी. हम कैसे दे सकते हैं भला अंडा बताओ. और यहाँ पर देखो दोस्तों ये साबित करना चाहता है कि ये लड़का है. देखो यार कैसे साबित करता है. हम लड़के हैं जनाब, दिखाऊं कि देखो यार बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि इसके नुनू के साथ आधार कार्ड लिंक हुआ हो. खैर इस अजीब से बच्चे को छोड़ो. यहाँ पर देखो इस बच्चे को खुशी नहीं चाहिए. देखो यार क्या चाहिए. जरूरी नहीं है कि मुझे खुशी ही मिले, मुस्कान भी अच्छी लगती है. अरे अरे दोस्तों कंचे खेलने की उम्र में खुशी और मुस्कान की बातें चल रही है. लेकिन मित्रों आपको खुशी और मुस्कान की बातें नहीं करनी है. आपकी एकमात्र पसंद होनी चाहिए बगल वाली पिंकी, उसके पीछे लग जाओ. और यहाँ पर देखो दोस्तों हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इनको देखकर अपना बचपन याद आ जाए. यानी कि जब हम छोटे होते थे ऐसे यार किसी के घर जाते थे टीवी देखने. ये बच्चे तो किसी दुकान में देख रहे हैं. आप भी किसी के घर ऐसे ही टीवी देखने गए हो तो यार नीचे कमेंट करके बताओ. तो चलो दोस्तों अब आपको स्कूल का मसाला दिखाता हूँ. यहाँ पर देखो सारे बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि इस ब्लर के पीछे क्या है. तो दोस्तों इस ब्लर के पीछे है दो टीचर यानी कि दो मैडमे हैं जो कि आपस में लड़ रही हैं. गुत्थम गुत्थी हो चुकी हैं. एक दूसरे के बाल खोल रखे हैं यार, लाला लाला कर रखी है. अभी अगर बच्चों के सामने ही ऐसे टीचर पहलवानी करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे. मैं आपको साफ साफ नहीं दिखा सकता क्योंकि यार यूट्यूब कुछ भी कर सकता है. जिस स्कूल में यार टीचर ऐसे गुत्थम गुत्थी हो जाते हो यानी कि कुश्ती करने लग जाते हो उस स्कूल के बच्चों का भविष्य राम भरोसे है. यार अगले साल भी मैं आपको खूब हंसाऊंगा. इस साल तो बहुत हंसाया है इसलिए यार मुझे ठेका दे दो आपको हंसाने का. फॉलो कर लो सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको. मिलते हैं
नई वीडियो। यार बताओ स्कूल में दोनों ऐसे बाल पकड़ पकड़ के नोच नोच के अपने आप एक दूसरे को, ठीक है, उसके बाद लड़ रही हैं इस तरीके से, कौन लड़ता है बताओ। टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, हमेशा बच्चों को ये सिखाती हैं टीचरें कि हाँ बेटा लड़ना नहीं चाहिए, आपस में दोस्त बन के रहना चाहिए, ये सब तुम्हारे भाई बहन दोस्त ये सब है ना। तो ऐसे ये टीचर ये एक तरफ ये सिखा रही, ठीक है, और उसके बाद खुद ही एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के नोच के उसके बाद लड़ रही हैं, इतना लड़ रही हैं बच्चे सारे सहमे हुए साइड में खड़े। मतलब क्या क्या दिमाग, क्या घर छोड़कर आई थी भाई, हैं कौन बना देता है ऐसे लोगों को टीचर्स, मतलब जिन्हें अपने आप पे इतना पेशेंस नहीं होता है, इतना कंट्रोल नहीं होता है कि भैया बच्चों की नज़रों से कोई भी बुरी आदत बुरी चीज़ों को दूर रखें। क्या ही होगा स्कूल के भविष्य का यार, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और एक वो बच्ची ऐसे दाँतना चाहिए, ऐसे नहीं दाँतना चाहिए ना, ऐसे बिल्कुल नहीं दाँतना चाहिए था ना, रो रही थी वो, इतनी क्यूट बच्ची यार, इतनी प्यारी बच्ची थी वो। और फिर उसके बाद दो वो आई, हाय गाइस मेरा नाम ये मुस्कान क्या क्या ना, हाय गाइस मेरा नाम ये है, प्लीज़ लाइक कर देना फॉलो कर देना। अरे बाबू तुम पहले बोलना सीख लो, अभी तुम तुतला ली हो। मैं क्यों तुतला भाई। यार बहुत क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे ऐसे बोलते हुए इस तरह से। और सोचो ये हमारे बचपन में और इनके बचपन में कितना गैप है, कितना अंतर आ चुका है ना, जनरेशन टू जनरेशन का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा गैप आ चुका है कि हाँ ये बच्चे आज मोबाइल के सामने बैठकर दोस्त बना रहे हैं। हम लोग बाहर जाकर पार्क में और अड़ोस पड़ोस में दोस्त बनाते थे कि मम्मी ले जाती थी घुमाने, है ना, बेटा देखो वो शर्मा आंटी की बेटी है, जाओ उससे दोस्ती करो, हैंड शेक करो, है ना। तो हमें मम्मियाँ सिखाती थी, आजकल की मम्मियाँ यार वर्किंग वुमेन हो गई हैं, कुछ लोग कुछ औरतें घर में इतना व्यस्त होती हैं, पापा लोग इतने व्यस्त होते हैं कि भैया बच्चों को, बच्चों का एकमात्र खिलौना ना वो फ़ोन ही हो गया है। सो क्या ही कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।